हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी इंडियन पॉलिटी की सीरीज में, जहां पर हम एम लक्ष्मीकांत के सिक्स एडिशन को वर्ड टू वर्ड कवर कर रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज वाले चैप्टर का ये लास्ट पार्ट है, इसको आज हम कंक्लूड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, पर उससे पहले आप सब अकेडमी के साथ जुड़कर अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। आरएम बैच के अंदर एनरोल कर सकते हैं, जो भी 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी बैचेस अवेलेबल है, आप इनके अंदर एनरोल कर सकते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो लक्ष्य बैच है, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। अभी आपके पास मौका है यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर आपको 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। यूज करिएगा कोड स्टडी आईएएस, जो कि है हमारे चैनल का नेम। इसको यूज कर आपको 10% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड अगर कोई भी और डाउट है, ये रहा नंबर, यहाँ पर घंटी मिलाकर आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। एंड ऑप्शनल भी आप अनअकैडमी के साथ पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन टीचर्स के साथ पढ़ना चाहते हैं तो एडमिशंस ओपन है 2024 फाउंडेशन बैच के लिए, आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। चलो अब देखो, कल हमने क्या कवर किया था। कल हमने बेसिकली सेफगार्ड्स टू सिविल सर्वेंट्स, हमने लास्ट टॉपिक अपना कवर किया था कि आर्टिकल 311 के अंदर कुछ सेफगार्ड्स बताए हुए हैं, ठीक है, कि एक सिविल सर्वेंट जो है उनको डिसमिस नहीं किया जा सकता उस अथॉरिटी के द्वारा जो कि छोटी है, कहीं ना कहीं सबॉर्डिनेट है उस अथॉरिटी से जो कि उनको लेकर आई है। इसके अलावा अ सिविल सर्वेंट कैनॉट बी डिसमिस्ड या उनको रिड्यूस नहीं कर सकते उनके रैंक से आफ्टर एन इंक्वायरी, जब तक कि कोई इंक्वायरी नहीं हो जाती, ठीक है, उनके ऊपर पूरी इंक्वायरी नहीं हो जाती, उनके ऊपर पूरा मैटर को ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा, तब तक कि ये चीज नहीं हो सकती। अब देखो, इसमें भी एक्सेप्शन है, हमने देखे थे 3 एक्सेप्शन। अगर कोई सिविल सर्वेंट क्रिमिनल चार्ज के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं उनको बोला जा रहा है तो अलग बात है, तब तो ऐसा नहीं है कि इंक्वायरी आप बैठाओगे। या फिर जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गई है कि नहीं, कोई जरूरत नहीं है इंक्वायरी की, इट इज वेरी मच क्लियर कि हाँ इन सिविल सर्वेंट को मतलब हमको हटाना है, ठीक है। या फिर वेयर अ प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर सेटिस्फाइड है कि देश की सिक्योरिटी के रिगार्डिंग, ठीक है, इट इज देयर कि नहीं हमें इनको हटाना होगा, यहाँ पर हमें इंक्वायरी नहीं करनी, ठीक है। तो ये 3 केसेस हैं जहां पर जो सेकंड वाला सेफगार्ड है वो अवेलेबल नहीं है। अब इसको हमने लास्ट कल कवर किया था, इसके आगे का देख लेते हैं। अगर हम सिविल सर्वेंट के रिगार्डिंग देखते हैं तो उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी, ठीक है, सिविल सर्वेंट्स को एट 2 स्टेजेस की वो अपने आप को अपना अपना जो पक्ष है वो सामने रख सकते हैं, अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं 2 स्टेजेस पर। एक है इंक्वायरी स्टेज, दूसरा था पनिशमेंट स्टेज। तो इंक्वायरी जबकि पूरे मैटर को ऑब्जर्व किया जा रहा है, पनिशमेंट जब पनिशमेंट दे दी गई है, बट फिर भी हाँ ये है कि सब पनिशमेंट के टाइम पर यह है कि सब चीजें ऑब्जर्व कर ली गई है, एविडेंसेज एंड ऑल, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं आपको मौका दिया जा रहा है दैट यू विल बी हर्ड। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने चेंजेस किए, जो सेकंड वाला है कि पनिशमेंट के स्टेज पर भी उनको सुना जाएगा, ठीक है, दे विल बी हर्ड, इसको चेंज कर दिया गया, इट वॉज अबॉलिश्ड। द राइट ऑफ द सिविल सर्वेंट टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द पनिशमेंट प्रपोज्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फाइंडिंग ऑफ द इंक्वायरी, ठीक है, तो इंक्वायरी के बाद जो भी फाइंडिंग्स हुई हैं, जो भी एविडेंसेस एंड ऑल सब आए हैं, उस पर भी इंसान के पास अधिकार था, पहले राइट था कि सिविल सर्वेंट अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं, बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट ने उसको हटा दिया। अब देखो, 42nd अमेंडमेंट एक्ट तो वैसे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर प्रीलिम्स। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर आई। उसके बाद हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर भी हमें चेंज आते हुए नजर आए, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग हो गया कैबिनेट का डिसीजन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स भी सॉ कि जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर चेंजेस आए, ठीक है, तो वो आपके लिए वैसे ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये और एक डिफरेंस यहाँ पर आया। हैंस प्रेजेंट पोजिशन क्या है, प्रेजेंट पोजिशन ये है कि आफ्टर एन इंक्वायरी, ठीक है, कहीं ना कहीं उस इंसान के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, सिविल सर्वेंट अपने अपने पक्ष को सामने रख सकता है, अपनी बात सामने रख सकता है, ठीक है। टू इम्पोज अपॉन अ सिविल सर्वेंट द पनिशमेंट ऑफ डिसमिसल, रिमूवल, रिडक्शन इन रैंक, इट मे बी इम्पोज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एडक्टेड एट द इंक्वायरी विदाउट गिविंग हिम एनी अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द पेनल्टी प्रपोज्ड। तो मतलब बेसिकली ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने विद टाइम क्या बोला
कि एनक्वायरी के बाद तो हाँ सिविल सर्वेंट के पास अधिकार है, बट पनिशमेंट मिलने के बाद ऐसा नहीं है कि वो अपने आप को मतलब ये बोलने लगे कि नहीं हमें सुना जाएगा, ठीक है, वो चीज यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सप्रेशन जो है ये रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट, ठीक है, जो सिविल सर्वेंट को मिलता है ये अबव केसेस के अंदर मिलता है, ठीक है. यहाँ पर क्या है, एन अपॉर्चुनिटी टू डिनाई हिज गिल्ट एंड एस्टैब्लिश हिज इनोसेंस विच ही कैन डू इफ ही इज टोल्ड अबाउट द चार्जेस लेवर्ड अगेंस्ट हिम एंड आर द एलिगेशंस ऑन विच सच चार्जेस आर बेस्ड. तो बेसिकली यहाँ पर क्या चीज बोली गई, यहाँ पर ये चीज बोली गई कि जिन सिविल सर्वेंट के ऊपर जो भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं जो भी है उनको उस चीज के बारे में बताओ, उनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू डिनाई द गिल्ट, ठीक है, जो कि उनके ऊपर लग रहा है, अपनी इनोसेंस को वो स्टैब्लिश कर सके. और वो इस चीज को तभी कर पाएंगे जब उनको पता हो कि उनके ऊपर चार्जेस क्या लगे, किस चीज के चक्कर में उनको कहीं ना कहीं हटाया जा रहा है या फिर उनकी रैंक जो है उसको कम किया जा रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो रहा है, ठीक है. तो एटलीस्ट दे शुड नो कि उनके ऊपर क्या एलिगेशंस लग रहे हैं. एन अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ बाय क्रॉस एग्जामिनिंग द विटनेस, ठीक है, प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट हिम एंड बाय एग्जामिनिंग हिमसेल्फ ऑन एनी अदर विटनेस इन सपोर्ट ऑफ हिज डिफेंस. तो बेसिकली उनको ये भी पता होना चाहिए कि उनके खिलाफ क्या एविडेंसेस सामने रखे जा रहे हैं, किन बेसिस पर, किन एविडेंसेस के बेसिस पर उनके ऊपर एक्यूजिशंस लग रही हैं. दे शुड एटलीस्ट नो कि वो अपने आप को एग्जामिन कर सके एंड लाइकवाइज कहीं ना कहीं प्रिपरेशन भी कर सके कि कैसे वो अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं. इसके अलावा द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी मस्ट सप्लाई अ कॉपी ऑफ एंक्वायरी ऑफिसर रिपोर्ट टू द डेलिक्वेंट सिविल सर्वेंट फॉर ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट बिफोर द डिसिप्लिनरी एक्शन कंसिडर द रिपोर्ट. तो बेसिकली जो भी डिसिप्लिनरी अथॉरिटी है वो कॉपी प्रोवाइड करेगी एंक्वायरी ऑफिसर्स के जो रिपोर्ट है उसकी उन सिविल सर्वेंट को. अब देखो ये एंक्वायरी ऑफिसर कोई भी हो सकते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के हो सकते हैं, सीबीआई के हो सकते हैं, या फिर कोई अदर अन्य अगर कोई अपॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो भी हो सकते हैं. अब ये जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, हाँ ये चीजें हैं, ये चार्जेस हैं, जो भी हैं वो सिविल सर्वेंट के पास होना चाहिए सो दैट दे कैन ऑब्जर्व एंड कमेंट बिफोर द डिसिप्लिनरी एक्शन कंसिडर द रिपोर्ट, ठीक है, उससे पहले कहीं ना कहीं वो उसको देख सके. तो ये चीज उनको अवेलेबल होनी चाहिए. तो ये हमें एक चेंज आता हुआ नजर आया 42nd Amendment Act 1976 के बाद. चलो ऑल इंडिया सर्विसेज, ऑल इंडिया सर्विसेज ही हमारा रह गया था. आर्टिकल 312 इसके बारे में प्रोविजंस रखता है. सबसे पहले तो ये है जब हम ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करते हैं यहाँ पर पार्लियामेंट के पास रोल आता है. द पार्लियामेंट कैन क्रिएट न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है. अब ये जो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज है इसके अंदर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस भी आता है, दो हमारे देश के अंदर नहीं है और बनने भी नहीं देगी अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, क्योंकि देखो फैक्ट बात ये है कि जुडिशरी से हर कोई डरता है, स्पेशली अगर हम सिविल सर्वेंट्स की बात करते हैं. इतना ज्यादा लेजिस्लेचर एंड ऑल का उनको वो नहीं है जितना जुडिशरी का उनको फिर भी है कि हाँ थोड़ा खतरा रहना चाहिए. हैंस अगर ऑल इंडिया जुडिशरी के थ्रू, ठीक है, या जुडिशियल सर्विस के थ्रू जो भी आएंगे, ठीक है, जिनका भी अपॉइंटमेंट होगा वो थोड़े से हावी हो सकते हैं, वो सवाल जवाब कर सकते हैं. हैंस इसलिए भी हमें देखने को मिलता है कि अभी तक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस हमारे देश के अंदर नहीं है. तो पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेस. अगर राज्यसभा पास करता है एक रेजोल्यूशन डिक्लेयरिंग कि ये जरूरी है, नेसेसरी है इन द नेशनल इंटरेस्ट कि हम इसको फॉर्म करें. अब देखो राज्यसभा जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे हमने सब कवर किया हुआ है, अगर आपने मेरे साथ उसको कवर नहीं किया है तो प्लेलिस्ट नीचे आपको मिल जाएगी, ठीक है, कमेंट सेक्शन के अंदर मैं उसको पिन कर दूंगी. आप प्लेलिस्ट में जाके सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, हमारे मोर देन 160 लेक्चर्स हो गए हैं जिसके अंदर कुछ एमसीक्यू के भी हमने लेक्चर्स लिए थे, ठीक है, तो आप उनको मेरे साथ सबको कवर कर सकते हैं. तो राज्यसभा वाला ये जो पॉइंट है वहां पर हमने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा कवर किया था कि ये पावर है कि अगर रेजोल्यूशन पास हो जाता है राज्यसभा के अंदर कि ये जरूरी है तो क्या है हम इनको फॉर्म कर सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को फॉर्म कर सकते हैं इंक्लूडिंग द ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस, ठीक है. अब ये जो रेजोल्यूशन है राज्यसभा के अंदर 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका इनको सपोर्ट मिलना चाहिए. दिस पावर ऑफ रिकमेंडेशन इज गिवन टू द राज्यसभा टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इन द इंडियन फेडरल सिस्टम. बेसिकली हमारा जो फेडरल सिस्टम है अगर हम सेंट्रल सर्विसेज की बात करते हैं वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मेजर से है वहां पर रोल है. अब देखो अगर हम अपने फेडरल सिस्टम की बात करते हैं जहां पर ये नहीं कि सिर्फ हम सेंटर
को देख रहे हैं कि हाँ ये है मेन सोर्स ऑफ अथॉरिटी या पावर. वी हैव स्टेट्स ऑल्सो जिनके पास अपने अपने अधिकार हैं, ठीक है. वी हैव फेडरल सिस्टम, तो उसको बचाने के लिए, इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट को बचाने के लिए यहाँ पर इस चीज को अवेलेबल किया है, राज्यसभा को प्रोवाइड किया है कि वो इसको लेकर आ सकते हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज को लेकर आ सकते हैं. जहां पर क्या है, ये जो भी ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, जो भी होंगे, ये क्या हमें देखने को मिलेगा, सेंटर में भी काम करेंगे, स्टेट में भी काम करेंगे. अब पार्लियामेंट कैन रेगुलेट द रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस, ठीक है. कंडीशन ऑफ सर्विस हमने कल देखा था, बहुत सारी चीजें आती है कंडीशन ऑफ सर्विस में, आपकी पेंशन, आपको कितना पे मिल रहा है, क्या अलाउंस मिल रहा है, ग्रेच्युटी, एवरीथिंग इज कवर्ड हियर. तो ये सब चीजें, ठीक है. तो ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर जो भी लोग आएंगे, पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि पार्लियामेंट इनको रेगुलेट करे. अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने ऑल इंडिया सर्विसेज एक्ट 1951 लाए, ठीक है, जिससे इनको फॉर्म किया जाए. द सर्विस नोन एज द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 26 जनवरी 1950 एज द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड इंडियन पुलिस सर्विस, ठीक है. तो हमें ये आते हुए नजर आए, आर डीम टू बी सर्विसेज जो कि पार्लियामेंट ने बनाई अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है. जो जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो बाद में हमें आती हुई नजर आई थी 1960s के अराउंड, ठीक है, वो हमें बाद में आती हुई नजर आई थी. अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की बात करें, शुड नॉट इंक्लूड एनी पोस्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज. अब ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस अगर फॉर्म होगी तो यहां पर जो भी लोग आएंगे, ठीक है, ये लोग इंफीरियर नहीं हो सकते, छोटे पद पर नहीं हो सकते डिस्ट्रिक्ट जज से. अब देखो डिस्ट्रिक्ट जज भी हमें अलग अलग नाम से देखने को मिलते हैं, ठीक है. जज ऑफ अ सिटी सिविल कोर्ट, कई जगह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, जॉइंट डिस्ट्रिक्ट जज, असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज, चीफ जस्टिस ऑफ स्मॉल कॉज कोर्ट, फिर चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट, ठीक है, फिर सेशन जज, ठीक है, अगर क्रिमिनल मैटर से रिलेटेड है, फिर एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, ठीक है, ये सब हमें अलग अलग नाम से देखने को मिलते हैं डिस्ट्रिक्ट जज. तो इनसे छोटा नहीं होना चाहिए रैंक. A law providing for the creation of this service is not to be deemed as an amendment. अब देखो माना कि ये बोला गया है कि हाँ ये चीज फॉर्म हो सकती है, बट इससे रिलेटेड कुछ भी आएगा उसको एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं लिया जाएगा. इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल 368, ठीक है, फॉर दिस पर्टिकुलर पर्पज उसको नहीं माना जाएगा अमेंडमेंट. दो 42nd अमेंडमेंट एक्ट इसके बारे में बताता है, आर्टिकल 312 इसके बारे में बताता है कि हाँ इसका फॉर्मेशन हो सकता है, बट अगर ये फॉर्म होगा तो फॉर्मली अमेंडमेंट नहीं होगा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है. नो सच लॉ हैज बीन मेड सो फार, तो अभी तो ये है नहीं, बट आपको याद रखना है कि अगर ये फॉर्म होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलग से अमेंडमेंट नहीं होगा. अदर प्रोविजन की अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 312A ने इंसर्ट किया 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 को. यहाँ पर पार्लियामेंट जो है उसको अधिकार दे दिया कि वो वेरी कर सकता है, रिवोक कर सकता है कंडीशन ऑफ द सर्विस को ऑफ द पीपल जो कि अपॉइंटेड हैं टू द सिविल सर्विस ऑफ द क्राउन इन इंडिया बिफोर 1950. तो 1950 से पहले जो भी थे उनसे रिगार्डिंग पार्लियामेंट के पास अधिकार था. अब आर्टिकल 313 आया. आर्टिकल 313 ने बेसिकली ट्रांजिशनल प्रोविजन के रूप में आया था कि हाँ ट्रांजिशन तो कभी होगा ना, कि हम पुराने वाले सिविल सर्विस से अब ऑफिशियली कहीं ना कहीं अपने देश के अंदर लेकर आएंगे. तो इट सेज दैट अंटिल अदरवाइज प्रोवाइडेड ऑल द लॉज इन फोर्स बिफोर 1950 एंड एप्लीकेबल टू एनी पब्लिक सर्विस वुड कंटिन्यू. तो जब तक कि कुछ नया नहीं फॉर्म हो जाता तब तक तो ये है कि हाँ पार्लियामेंट के पास अधिकार है, जैसा बिफोर 1950 चल रहा था वैसे ही कहीं ना कहीं हम कंटिन्यू रखेंगे. आर्टिकल 314 क्या कहता है, इसने प्रोविजन बनाए फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑफिसर्स ऑफ सर्टेन सर्विसेज. इसको रिपील किया गया था 28th अमेंडमेंट एक्ट 1972 के द्वारा, ठीक है. तो ये हमें डेवलपमेंट विद टाइम होती हुई नजर आई कि कैसे कैसे प्रोविजंस क्या क्या हमें देखने को मिलेंगे. अब आर्टिकल 82 पब्लिक सर्विसेज को देख लेते हैं, ठीक है. वैसे तो हमने विद द एक्सप्लेनेशन सारे आर्टिकल्स को देखा है, बट ये आपकी एम लक्ष्मीकांत की बुक के अंदर है छोटे छोटे चार्ट्स, इनसे रिविजन अच्छा हो जाता है. जैसे यहाँ पर जगह है, यहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपने इन्फॉर्मेशन लिख लिया, प्रिलिम पास है, 4-5 दिन में प्रिलिम्स है, कहाँ पूरी एम लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे, है ना. तो क्या कर सकते हो, यहाँ पर छोटे छोटे अपने नोट्स बना लिए, बाद में उनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लिया, ठीक है.
दो हाँ एम लक्ष्मीकांत अगर आप रिवाइज कर सकते हो बिल्कुल करो, क्योंकि ये एक बुक है जिससे सवाल आने ही आने है ना। तो आर्टिकल 308 इंटरप्रिटेशन, 309 रिक्रूटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विस, उन लोगों की जो कि यूनियन या स्टेट के अंदर वर्क कर रहे हैं, ऐसे ही अन्य बहुत सारे आर्टिकल्स हैं ठीक है, तो यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, लाइक का बटन दबा देना, स्टडी आइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्टडी आइस को सब्सक्राइब कर लो, एंड रात को 10 बजे आपकी लाइव क्लास है तो क्लास में जरूर आ जाना, नेक्स्ट चैप्टर हम कवर करने वाले हैं, एंड प्लेलिस्ट को आप रेफर कर सकते हैं, प्लेलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड गुड नाइट, कल नहीं अभी 10 बजे मिलते हैं, बाय, टेक केयर।